वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। लास्ट क्लास तक हम नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को नॉर्थ अमेरिका अच्छे से याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, आप एक बार फटाफट बताइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एंटार्क्टिका होता है तो ये फिफ्थ नंबर पे एंटार्क्टिका, साइज वाइज बता रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे यूरोप था और यहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे एक देश पड़ता है पनामा। पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच ही कड़ी है, मतलब उनको ऐसे जोड़ने का काम करते हैं, पनामा स्ट्रेट भी है, राइट। तो मैं अब आपसे कुछ टर्म्स पूछना चाहूंगी कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, लैटिन अमेरिका क्या होता है, अपने एंग्लो अमेरिका क्या था, वैसे मिडल अमेरिका। तो आप सब मुझे बताइए, आई होप आप सबको याद होगा। तो यहाँ पे ये सेवन कंट्रीज पड़ती है, ठीक है, सेवन कंट्रीज पड़ती है। यहाँ पे नाम अगर आपको पता हो तो ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, बेलीज, एल सल्वाडोर है, कोस्टा रिका, निकारागुआ और पनामा। इन सातों कंट्रीज को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल अमेरिका। अब इन सात कंट्रीज के साथ में यहाँ पे ऊपर पड़ता है मेक्सिको। अगर आप सात कंट्रीज के साथ मेक्सिको को जोड़ दोगे तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका पूरा, और प्लस प्लस एक सेकेंड, मेक्सिको के साथ साथ यहाँ पे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको जिनको कलेक्टिवली कहते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो अगर आप इनको, वेस्ट इंडीज को, सेंट्रल अमेरिका को और मेक्सिको को जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है, तीनों मिला के मिडल अमेरिका, राइट। अब आप सुनिए, मेक्सिको से लेके ये नीचे आ जाओ, ठेठ नीचे आ जाओ, यहाँ पे साउथ अमेरिका के एंड तक, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। लेकिन मैंने आपको बोला था एक एक साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक देश पड़ता है, उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना। वो ना फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस को उस पर अधिकार है अभी भी। तो अपन इस मेक्सिको से लेके नीचे आ जाओ, एकदम चिली तक, यहाँ लास्ट में चिली पड़ता है, वहां तक आ जाओ, लेकिन माइनस कर दो फ्रेंच गुयाना तो बन जाता है अपने लैटिन अमेरिका। उसके बाद में ऊपर था कनाडा और ये था यूएसए, और कनाडा यूएसए को मिला के क्या बोलते हैं अपन, एंग्लो अमेरिका, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट बात बताई। अब चलिए अपन शुरू करते हैं अपने ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ना मतलब बहुत सिंपल कॉन्टिनेंट है, इसमें ज़्यादा कंट्रीज भी नहीं है, मोटा मोटी इसमें 12 कंट्रीज है, एक फ्रेंच गुयाना है जो फ्रांस के टेरिटरी, और भी अदर डिपेंडेंसी है जिसपे छोटे छोटे आइलैंड है जिसपे किसी और देश का शासन है, ठीक है। तो अपन ना एक बार कंट्रीज को देखते हुए चलते साउथ अमेरिका के, एटलस लेके बैठना और उसको मार्क करते रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर आप कंट्री दिखेगी ना, जो अपने इसको इससे कनेक्ट होगी, वो है कोलंबिया। क्या है, कोलंबिया देश है, मैंने नदी बोल दिया क्या, सॉरी, देश है, कोलंबिया देश है। एक्चुअली कोलंबिया नाम की नदी भी होती है यहाँ पे, मतलब ऊपर नॉर्थ अमेरिका में थी वैसा। तो कोलंबिया देश है यहाँ पे। कोलंबिया के पास में आप आओगे, यहाँ नीचे की तरफ आना तो आपको दिखेगा इक्वाडोर। क्या दिखेगा, इक्वाडोर। और यहाँ आपको कितनी बड़ी कंट्री दिख रही है, ब्राज़ील। देखिए आप कितनी बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील। तो तीन देश बताएं, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। अब इन तीनों के बारे में एक खास बात यह है, आगे भी आएगी और अब बता देती हूँ, कि जो इक्वेटर है, जो अक्षांश है 0 डिग्री, जो विषुवत रेखा है, वो इन तीनों से होके गुजरती है, लाइक ऐसे, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश है, जो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होके गुजरती है। ये एक बात तो इसकी ये थी, ठीक है। फिर आप इक्वेडोर से नीचे आइए, आपको दिखेगा पेरू। क्या दिखेगा, पेरू। पेरू से नीचे आओगे तो यहाँ दिखेगा बोलीविया और ये दिखेगा पराग्वे, है ना, एटलस में मार्क कीजिए आप बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे के बारे में खास बात यह है कि ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, भूबद्ध देश कहते हैं जिसे। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से ना लैंड से घिरी हुई होती है, उसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं होती, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो ये बोलीविया और पराग्वे ये लैंडलॉक कंट्री के अंदर आती है। उसके बाद में आप इधर आ जाओ नीचे की तरफ, यहाँ आपको, आपने मिर्ची खाई है, मिर्ची
कैसे लंबी सी होती है ऐसे एकदम तीखे तीखे से, तो यहाँ एक चिली देश पड़ता है। अब वो चिली चिली से ऐसे ट्रिक से मैंने लिंक कर दिया, बाकी यहाँ एक चिली देश पड़ता है, बहुत ही लंबा है, सबसे हाईएस्ट जो कोस्टल बाउंड्री भारत की भी, जैसे भारत की ये वाला जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है इसकी जो बाउंड्री लगती है पानी से उसे कोस्टल बाउंड्री कहते हैं, वैसे चिली की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना फैला हुआ है चिली, तो चिली जो है वो यहाँ पड़ता है। उसके पास में आप आ जाइए अर्जेंटीना में, यहाँ पे अर्जेंटीना, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना। अब यहाँ पे अर्जेंटीना से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको छोटी कंट्री दिखेगी उरुग्वे, क्या दिखेगी उरुग्वे। उरुग्वे में जब अपन रिवर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उरुग्वे नाम की नदी भी है और पराग्वे देश पड़ा तो पराग्वे नाम की नदी भी है, देश के नाम पे नदी है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देख लिया उरुग्वे, ब्राजील बता ही दिया था, एक बार वापस से आओ तो ऊपर यहाँ कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर यहाँ पे और ब्राजील, इन तीनों की खास बात यहाँ से 0 डिग्री लाइन पास होती है, फिर थोड़ा नीचे हो पेरू, फिर बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे के बारे में खास बात ये लैंडलॉक कंट्री है, फिर चिली, चिली की क्या खास बात कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है, सब सीमा है इसकी चिली की, पास में इसके अर्जेंटीना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा छोटा सा देश उरुग्वे, उरुग्वे नाम की नदी है यहाँ पे, और अब कोलंबिया से इस तरफ ऊपर चलो आप, यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला कोलंबिया के पास में क्या पड़ता है वेनेजुएला। आप जब अपन इकोनॉमी पढ़ते तो विजय सर बताते कि वेनेजुएला में मतलब है ना बहुत ज़्यादा वो महंगाई बढ़ गई थी, ऐसा था कि 2.5 लाख या 5 लाख ऐसे कोई रुपए लेके जाते थे और एक ब्रेड का पैकेट खरीदते थे, मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई थी। आप सर्च करना एक बार कि वेनेजुएला में वो महंगाई का दौर क्या था, तो उसमें इतने कट्टे भर भर के मतलब पैसे ले जाओ आप शॉप पे और खरीद के क्या लाओगे, एक ब्रेड या कुछ भी बिस्किट विस्किट जो भी है, तो वेनेजुएला में। या एक और खास बात कि यहाँ की जो लड़कियाँ होती है वो बहुत सुंदर होती है, ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा था, वेनेजुएला की जो मतलब बहुत सारी जो मिस जो खिताब होते हैं ना वो यहाँ की लड़कियों ने काफ़ी जीते हुए। खैर आगे बढ़ते हैं, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई लेना देना नहीं था। अब पढ़ते गुयाना, यहाँ पे गुयाना नाम का देश है वेनेजुएला के राइट साइड में, ये फ्रेंच गुयाना, ये वही है जो मैं आपको कह रही हूँ, नहीं नहीं ये फ्रेंच गुयाना नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना दो गुयाना है, देखिए एक गुयाना है सिंपल, बीच में एक देश आ जाएगा, फिर एक फ्रेंच गुयाना आएगा, तो ये फ्रेंच गुयाना जो है ना ये है फ्रांस की टेरिटरी, और ये गुयाना तो साउथ अमेरिका का ही देश है, बीच में एक देश पड़ता है सूरीनाम, क्या पड़ता है सूरीनाम, सूरीनाम, ठीक है। तो ऊपर वाले तो बहुत ही इजी देश है, जैसे कोलंबिया के ऊपर वेनेजुएला आएगा, वेनेजुएला ये यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ वेनेजुएला आ गया मान लो, अब यहाँ पे पड़ेगा गुयाना और यहाँ पड़ेगा फ्रेंच गुयाना, बीच में कंट्री पड़ेगी जिसका नाम है सूरीनाम, इसका नाम ही क्या है सूरीनाम है, ठीक है, ये कंट्रीज हो गई, तो 12 कंट्रीज याद हो गई आपको। देखिए सबसे पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, इन तीनों से इक्वेटर पास हुई, फिर नीचे पेरू, फिर बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया पराग्वे लैंडलॉक कंट्री, फिर चिली सबसे लॉन्गेस्ट तटीय सीमा, फिर अर्जेंटीना, फिर उरुग्वे, उसके बाद में ऊपर चले कोलंबिया के इधर वेनेजुएला, वेनेजुएला के पास गुयाना और उधर फ्रेंच गुयाना, बीच में सूरीनाम, ऐसे करके ही हो गया। अच्छा एक और बात, इस साउथ अमेरिका से ना आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, मकर रेखा भी पास होती है, तो कौन से देश से पास होती है मकर रेखा, तो इसके ना एक ट्रिक है, ए बी सी और पी। अभी ए बी सी पी क्या है, ए मतलब है ये अर्जेंटीना, यहां से लगभग पास होगी, मैं आपको बताऊं तो इस तरह, ये 3.5 डिग्री वाली लाइन, 23.5 डिग्री अपने साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, ए बी सी पी, ए बोले तो अर्जेंटीना, बी मतलब ब्राजील, सी मतलब चिली और पी मतलब पराग्वे, तो ए बी सी पी मतलब यहाँ से अपने मकर रेखा भी पास होगी, ठीक है। आपको पता है यूपीएससी में भी एक ऐसा सवाल आया था अपने कि जो कर्क रेखा है अपने, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है ना, तो कर्क रेखा से नजदीक कौन सी कैपिटल लगती है, ठीक है, तो वैसे सवाल आते तो मतलब ऐसे सवाल आने के बहुत चांस है कि जो मकर रेखा है उससे कौन सा देश नजदीक पड़ता है, कौन से देश की कैपिटल नजदीक है, तो आप
साथ साथ में ना जब देश को मार्क करें ना तो उनके कैपिटल्स को भी हाईलाइट कर देना अलग अलग हाईलाइटर से, ताकि वो थोड़ा दिमाग में रहे कि अच्छा इस देश की कैपिटल इस डायरेक्शन में पड़ती है। नाम मैं नहीं कह रही हूँ आपको रटने हैं, नाम नहीं, बट पता होना चाहिए। जैसे इतना बड़ा देश है ब्राजील, तो पता होना कि इसकी कैपिटल यहाँ पड़ती है कि यहाँ पड़ती है, ठीक है। वैसे तो आपको चलो मैंने बता दिया, तो एक बार अपन ना प्रैक्टिस करते हैं, राइट, बिना देखे मैप की प्रैक्टिस करेंगे अपन। चलो बताओ तो देखे कितना याद हुआ आप लोगों को। हाँ जी, तो ये है आपने कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में यहाँ बताया था इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद सीधा इधर चलेंगे ब्राजील पे। इन तीनों की खास बात, यहाँ से 0 degree लाइन पास होती है, फिर यहाँ पेरू, पेरू के बाद यहाँ पे दो लैंडलॉक कंट्री, ये बोलीविया और यहाँ पे पराग्वे, PA लिख रही हूँ पराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री। फिर यहाँ आ जाओ, ये क्या है चिली, छोटा ये लंबा सा जो है ना इतना, ये चिली है और ये छोटे छोटे इसके आइलैंड्स है, ठीक है, चिली के ही है, ये चिली है। उसके बाद में यहाँ बताया था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद यहाँ छोटी सी एक कंट्री दिख रही है आपको, इसका नाम है उरुग्वे, यू उरुग्वे नाम की नदी भी है यहाँ पे। फिर ऊपर आ जाओ तो कोलंबिया के पास में यहाँ पड़ता है वेनेजुएला, क्या पड़ता है वेनेजुएला। अब यहाँ तीन देश है, एक तो है गुयाना, उस तरफ है फ्रेंच गुयाना और बीच में क्या पड़ता है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है सुरीनाम, ठीक है, इस देश का नाम है सुरीनाम। तो ये टोटल 12 कंट्रीज बता दी, सारी नॉर्थ अमेरिका के एक्सेप्ट फ्रेंच गुयाना का छोड़ के, क्योंकि इस पे किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। चलिए अब एक बार मैं आपको थोड़ा ऐसे ऐसा मैप बताती हूँ ताकि आपको पता चले, ये आपको मतलब मैप दिख रहा है, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये साउथ अमेरिका के राइट साइड में तो पड़ता है अपना अटलांटिक ओशन, ठीक है, मैप में भी देखो, और लेफ्ट साइड में पड़ता है अपने पैसिफिक ओशन, राइट, और ये कंट्रीज तो दे ही रखी है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे साउथ अमेरिका के जो फिजिकल डिवीजन है, जो भौगोलिक वितरण है, उसे भी अपन लगभग 3-4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो इसमें तो इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा आपको, मैं इसमें बताती हूँ। इसमें देखिए आप फिजिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका में यहाँ पे पड़ता है ये वाला, आपको दिख रहा है ये जो मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान साउथ अमेरिका के, ठीक है। जैसे कि अपने वेस्टर्न घाट है, फिर वेस्टर्न घाट के उस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न प्लेन्स बोलते हैं ना अपन, उसी तरह यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा माउंटेन पड़ता है, माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं एंडीज। ये देखिए इधर ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, इतना लंबा ये पूरा नीचे तक जाता है, इतनी लंबी मतलब एक पर्वतों की श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन के लेफ्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पड़ते हैं, ठीक है। तो दो तो डिवीजन ये हो गए, पहला कौन सा, ये अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इसके पास में क्या पड़ता है, एंडीज माउंटेन पड़ते हैं। उसके बाद में कुछ प्लेटोस पड़ते हैं यहाँ पे, कुछ पठार पड़ते हैं, कौन कौन से, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं गुयाना का पठार, गुयाना प्लेटो, ठीक है। दूसरा ये जो ब्राजील जो है ना पूरा देश, ब्राजील का खुद एक का है प्लेटो है, उसका नाम है ब्राजील प्लेटो, ये पूरा ये है सेकंड नंबर ब्राजील प्लेटो, ये है अपने फर्स्ट नंबर गुयाना का पठार, गुयाना प्लेटो। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पड़ती कंट्री बोलीविया, और ये जो एंडीज माउंटेन है यहाँ पे बोलीविया कंट्री के आसपास, यहाँ पे पठार पड़ता है जो पर्वतों के बीच में लोकेटेड है। तो आप ही बताइए मुझे कि पर्वतों के बीच में अगर कोई पठार है तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, अंतः पर्वतीय पठार। तो ये जो बोलीविया का पठार है ये अंतः पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेटो है। उसके बाद में तीन प्लेटो हो गए, पहला गुयाना का पठार, दूसरा ब्राजील का पठार, तीसरा बोलीविया का पठार। एक और पठार है यहाँ पे, यहाँ पे पड़ता है एक ऐसे लंबे टाइप में ये वाला पठार, इसको बोलते हैं पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया प्लेटो, राइट। तो चार प्लेटो मैंने आपको बताया, एक बार नाम बोलो देखिए, पहला है गुयाना का पठार, गुयाना प्लेटो, दूसरा है ब्राजील पठार, ब्राजील प्लेटो, फिर तीसरा बोलीविया का पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो, अंतर पर्वतीय पठार, चौथा है पेटागोनिया प्लेटो, पेटागोनिया का पठार। ये तो तीसरा डिविजन है प्लेटो का, एक लास्ट बच जाता है अपने मध्यवर्ती मैदान वाला पार्ट, सेंट्रल प्लेन्स, ये वाला,
इसको अपन बोलते हैं फोर्थ डिवीजन, प्लेन्स वाला रीजन, मतलब मैदान वाला, सेंट्रल प्लेन्स। तो चार डिवीजन है साउथ अमेरिका के भी, नॉर्थ अमेरिका के भी चार ही थे, चलो इसके भी चार है। तो कौन कौन से एक बार बोलना, ये साउथ अमेरिका, तो इसके वेस्ट की तरफ में पड़ता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखेगी आपको, और वो मतलब वो सेकंड डिवीजन है। तीसरा हम पठार पढ़ते हैं, प्लेटोज पढ़ते हैं, और प्लेटोज में भी क्या देखा आपने, गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार, इधर बोलीविया का पठार, फिर नीचे पेटागोनिया का पठार, और लास्ट में हमने देखे सेंट्रल प्लेन्स यानी मध्यवर्ती मैदान। बस ये चार ही तो है, इतना सही तो है इसका डिवीजन। चलो एक बार देखो, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, एक बार मैं करती हूँ प्रैक्टिस, ठीक है? आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट करिए। सबसे पहले बताइए, ये जीरो डिग्री लाइन है ये वाली, बताइए बताइए कौन से देश से, तीन जो देश है उनसे गुजरती है ये, इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, ECB, ठीक है? ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चार देशों से गुजरती, कौन कौन से, ABCP। ए बोले तो अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी चिली, और पी अपने पराग्वे, ठीक है? चार देश। उसके बाद में फिजिकल डिवीजन बताइए, ठीक है? ये वाला जो यहाँ पे अपने सबसे पहले, ये यहाँ से शुरू होता है और ये पड़ता है यहाँ तक, इतना लंबा है ये, देखिए ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ तक चलेगा। इस ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं, एंडीज माउंटेन रेंज। उसके बाद में ये वाला, ये साइड में, ये जो वेस्ट में आपको प्लेन दिख रहा है, वेस्ट वाला मैदान दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। फिर यहां पे आओ, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पठार देख रहे हैं अभी अपन, तो गुयाना का पठार, गुयाना पठार। फिर ये वाला, ये क्योंकि ये ब्राजील शुरू हो जाता है तो ये ब्राजील वाला पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राजील पठार, ब्राजील पठार, ब्राजील का पठार, एक ही बात है। फिर यहाँ पे अपने बोलीविया एक देश पड़ता है, यहाँ पे एक पठार पड़ता है, इसका क्या नाम है, बोलीविया का पठार, और लास्ट में यहां पे एक पठार पड़ता है, इसका क्या नाम है, चौथा है ये, इसका नाम है पेटागोनिया, इसको भी रहने दीजिए यहां से, पेटागोनिया का पठार, ठीक है? ये, और बीच में ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे पड़ते हैं मैदान, तो इनको सेंटर में पड़ रहा है इसलिए मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, ठीक है? तो ये अपने फिजिकल डिवीजन पूरा हुआ इसका, मतलब समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहाँ पे। अब एक एक चीजों को देखेंगे। चलिए, मैं पता है आपको चीजें पहले से लिख के रखती हूँ बोर्ड पे, ताकि मेरे लिखने में ज्यादा टाइम ना जाए, और लिखा हुआ होगा तो आप ऐसे पर्स करके वीडियो को डायरेक्ट ऐसे नोट डाउन कर सकते अपने नोटबुक में, इसलिए वैसे। तो चलिए, ये है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका, भौगोलिक वितरण है साउथ अमेरिका का। तो बताइए, ये सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये कहाँ पड़ते हैं, ये इधर पड़ते हैं, ये भी सबसे लंबे तटीय मैदान में माने जाते हैं, इतने लंबे है ये, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ गया। फिर है सेकंड एंडीज माउंटेन रीजन, ये कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ तक जाती है, ठेठ नीचे तक जाती है, इतना, ठीक है? उसके बाद सेंट्रल प्लेन्स रीजन छोड़ो, एक बार प्लेटो पे आओ, प्लेटो में देखो एक गुयाना का पठार है, ये गुयाना का पठार, फिर दूसरा ब्राजील का पठार है, ये ब्राजील का पठार, फिर तीसरा पेटागोनिया का पठार है, तो ये पेटागोनिया का पठार, ये वाला तीसरा, फिर चौथा बोलीविया का पठार है, तो ये बोलीविया, यहाँ देश पड़ता है तो ये बोलीविया का पठार, ठीक है? उसके बाद में अब आओ सेंट्रल प्लेन रीजन पे, मध्यवर्ती मैदान, तो ये वाला जो पार्ट है, इधर मैदान मैदान पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर वो सब वगैरह होता है, तो ये है
थर्ड नंबर डिवीजन मतलब ये वाला, ठीक है, सेंट्रल प्लेन रीजन। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन से जिसका नाम है एंडीज। लेकिन उससे पहले ये चीज भी नोट डाउन कर लेना कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक इक्वेटर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इक्वेटर पास होता है ईसीबी से, ईसीबी मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा पास होता है एबीसीपी से, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे, ठीक है, ये चारों का नाम। अगर वर्तनी में शुद्धि हो हिंदी में तो प्लीज इग्नोर, ठीक है। अब साउथ अमेरिका के बारे में कुछ खास बातें क्या, कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब अपन फर्स्ट क्लास कर रहे थे कि एरिया वाइज तो ये आता है फोर्थ नंबर पे और पॉपुलेशन वाइज आता है फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में टोटल कितनी 12 कंट्रीज है इसमें, और फ्रेंच गुयाना है एक फ्रेंच की टेरिटरी, और भी अदर डिपेंडेंसी, छोटे छोटे आइलैंड है जो किसी और देश से बिलोंग करते हैं। फिर लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो दो ही कंट्री, एक तो बोलीविया और एक पराग्वे। और सदर्न टिप बोले इसका, दक्षिणी बिंदु, तो वो कौन सा माना जाता है, ये देखिए ये वाला साउथ अमेरिका के, मैं आपको बताती हूँ मैप से थोड़ा, ये जो दक्षिणी बिंदु यहाँ पे जो सदर्न पॉइंट आएगा ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट साउथ अमेरिका का, वो चिली देश का होता है और उसका नाम है केप हॉर्न। क्या नाम है उसका? केप हॉर्न। ये देखिए केप हॉर्न किस के देश का है? चिली का है केप हॉर्न, ठीक है। अब पढ़ते अपन फर्स्ट अपन डिवीजन पढ़ेंगे ये एंडीज माउंटेन रीजन का। तो एंडीज माउंटेन के बारे में खास बात, सबसे पहले ये बना कैसे, इतना बड़ा माउंटेन ऐसे कैसे बन गया, मतलब आप मैप में देखिए, आप इधर देखिए एक बार, ये एंडीज माउंटेन बना कैसे, तो देखिए मेरी बात, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट पड़ती है, उसका नाम है नाजका प्लेट। क्या नाम है? नाजका प्लेट। जब इन दोनों का कन्वर्जेंस हुआ, ये दोनों टकराई, अभिसरण हुआ इनका, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी जिसका नाम क्या दिया अपन ने, एंडीज माउंटेन रेंज। सेम वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में भी कन्वर्जेंस हुआ था वेस्ट की तरफ में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और पैसिफिक ओशन की प्लेट टकराई थी और बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन बने थे। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ साउथ अमेरिका की नाजका प्लेट टकराएगी तो यहाँ पे भी यंग फोल्ड माउंटेन की रेंज बनेगी, तो वो कौन सी थी? एंडीज माउंटेन। तो कैसा माउंटेन है? एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन है। दूसरी बात, किसके कन्वर्जेंस से बना है? तो साउथ अमेरिका की प्लेट और नाजका प्लेट से। एक और, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक होती है एकोनकागुआ, यहाँ पड़ती है लगभग, एकोनकागुआ बोलते हैं इसकी हाईएस्ट पीक को। और हाईएस्ट पीक एकोनकागुआ है, सब आगे लिखा हुआ है। उसके बाद में इसके दो तीन और पीक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओजिस डेल सलादो, ओजिस डेल सलादो है, एक है कोटोपैक्सी, एक है चिम्ब्राजो, ठीक है, ये सारी इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके एक हाईएस्ट पीक का नाम अभी मैंने बोला चिम्ब्राजो, इसके बारे में ना एक खास बात है। क्या खास बात है? देखिए चिम्ब्राजो जो हाईएस्ट पीक है ना इस एंडीज माउंटेन की, वो लगभग इक्वेटर जो 0 डिग्री लाइन है अक्षांश, उसके पास में पड़ती है। तो आपको पता है कि ये अर्थ है, राइट? अर्थ को अपन मतलब लगभग ऐसे बोलते हैं ना, ये ज्यादा ही चपटी बना दी, बट अपन ऐसे बोलते हैं कि अर्थ जो है ध्रुव जो पोल्स होते हैं उससे तो मतलब ऐसे थोड़ी चपटी और यहाँ से थोड़ी उभरी होती है, मतलब पोल से तो ये थोड़ी ऐसे श्रिंग ऐसे होती है और बल्ज होती है यहाँ इक्वेटर साइड से। तो ये जो साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है ना, क्या नाम है इसका? चिम्ब्राजो। ये इक्वेटर के आसपास लोकेटेड है। तो अगर आप अर्थ के सेंटर से देखोगे तो अर्थ के सेंटर से बताओ पोल ज्यादा नजदीक है, इक्वेटर ज्यादा नजदीक होगा? पोल ज्यादा होगा, इक्वेटर दूर होगा। तो ये जो चिम्ब्राजो है ये भी हाईएस्ट पीक तो है, तो ये इसको ऐसा बोला जाता है कि विश्व की अगर इक्वेटर से डिस्टेंस मापी जाए, उनकी ऊपर वाले पॉइंट की डिस्टेंस मापी जाए इक्वेटर से, तो चिम्ब्राजो सबसे दूर वाले पॉइंट पे मानी जाती है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर की साइड में यहाँ पे कहीं पे वो लोकेटेड होगी चिम्ब्राजो, ये हाईएस्ट पीक लोकेटेड होगी, ठीक है। यहाँ से अर्थ के सेंटर से अगर आप डिस्टेंस देखोगे ना, ये डिस्टेंस तो मान लो R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो R1 छोटी है, R2 बड़ी है, ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये ऊपर से चपटी होती है अर्थ। तो अगर आप देखोगे इस चिम्ब्राजो जो है ये बहुत ऊंची है, तो अगर आप इसके ऐसे डिस्टेंस नापोगे ना, तो ये बहुत फर्देस्ट पॉइंट है, बहुत
दूर दूर वाला बिंदु है। तो ये खास बात थी चिम्ब्रासो के बारे में, ठीक है। अब हाँ, एक और अब खास बात क्या, हाँ, इस जो एंडीज रिवर माउंटेन है ना, इससे बहुत सारी नदी का उद्गम होता है। माउंटेन है तो नदियां तो बहेगी। दो खास नदी की मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तो अमेजोन नदी, अमेजोन ब्राजील में, अपनी साउथ अमेरिका में अमेजोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, तो ये अमेजोन नदी बहुत बड़ी नदी है। सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है उसका वो वही है। और क्या है, इसमें एक नदी निकलती है, उसका नाम है कोलोराडो नदी। क्या नाम है? कोलोराडो। अब आप कहेंगे कि यार कोलोराडो तो सुना सुना लग रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी तो पढ़ा था। हाँ जी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कोलोराडो नदी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये कोलोराडो नदी कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको नॉर्थ अमेरिका वाला बताना है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है वहां पे। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करें तो वो ज्यादा, मतलब उसको तवज्जो देनी है, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन के बारे में ये बात। अब एक और चीज बतानी थी मुझे, मैंने आपको बताया कि जो एंडीज माउंटेन है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, क्योंकि इतना ऊपर से शुरू होती है, ठेठ नीचे आके खत्म होती है। लेकिन ये ना कॉन्टिनेंटल, हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्यों कह रहे हैं वैसा? क्योंकि महासागर है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला, आपको पता है उसका नाम क्या है? वो उसका नाम है मिड अटलांटिक ओशनिक रिज, मतलब मिड अटलांटिक ओशनिक कटक। वो जो महासागर कटक, वो सबसे बड़ी, लगभग एंडीज से भी बड़ी है वो। तो अगर अपन स्थल की बात करें, महाद्वीप की बात करें, तो उसपे जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, फर्स्ट नंबर पे। लेकिन अगर अपन ओवरऑल बात करें कि महासागर और महाद्वीप की, दोनों की बात करें, ओशन और कॉन्टिनेंट की बात करें, तो फिर किसका नाम लेंगे? मिड अटलांटिक ओशनिक रिज, जो अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा है अपन ने। ये फॉर्मेशन, इसका कैसे हुआ निर्माण? तो अभिसरण हुआ था साउथ अमेरिकन की प्लेट का और नाजका प्लेट का, ठीक है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, लगभग 7 कंट्रीज में विद्यमान है, ये पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल क्यों लगाया मैंने, आप समझ गए, महाद्वीप क्यों लगाया मैंने? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतीय श्रृंखला है, या श्रेणी है। क्यों लगाया? क्योंकि अपन सिर्फ स्थल वाले भाग की बात कर रहे हैं। अगर अपन महासागर की बात करेंगे तो उसमें वो उसका नाम आ जाएगा, मिड अटलांटिक ओशनिक रिज का। उसके बाद यहाँ मैंने एक लिखा है, वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज है। अब ये इसका मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट हाइएस्ट? तो एक ही बात नहीं, एक बात नहीं, अलग बात है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, हाइएस्ट का मतलब होता है ऊंची। तो लंबी में तो ये फर्स्ट नंबर पे, लेकिन ऊंची में तो यार हमारा भारत, मतलब हिमालय, हिमालय जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है। ये जो है सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है, हिमालय के बाद में, आफ्टर हिमालय। तो एंडीज माउंटेन वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे दूसरी नंबर पे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो पहली कौन सी? पहली अपनी हिमालय चोटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी? वो है एकोनकागुआ, एकोनकागुआ, ठीक है। एकोनकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अदर्स भी तो हाईएस्ट पीक है ना? हाँ है। इंपॉर्टेंट तीन ही हैं जिनके नाम मैंने लिख दिए, एक है ओजस डेल सलादो, एक है कोटोपेक्सी, एक है चिम्ब्रासो। वापस नाम पढ़ो, ओजस डेल सलादो, कोटोपेक्सी और चिम्ब्रासो। चिम्ब्रासो के बारे में खास बात मैंने क्या बताई कि अगर अर्थ के पॉइंट से देखा जाए, सेंटर से देखा जाए, तो चिम्ब्रासो मतलब सबसे दूर, फार्देस्ट पॉइंट पे पाई जाती है, ओके। अब एंडीज के बारे में एक दो और बात है खास, वो बताऊं मैं आपको, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे एंडीज माउंटेन में एक इंटर माउंटेन प्लेटो पाया जाता है, अंतर पर्वतीय पठार। बताओ नाम उसका क्या है? उसका नाम है बोलिविया का पठार, बोलिविया प्लेटो पाया जाता है अंतर पर्वतीय पठार में, ठीक है। अब बोलिविया प्लेटो क्या है उसके बारे में जब प्लेटो पढ़ेंगे तब बहुत डीप में देखेंगे, अभी इतना ही पता होना चाहिए। फिर यहाँ रिवर ओरिजिन होती है, एक तो अमेजोन, एक कोलोराडो। बता दिया मैंने कोलोराडो यहाँ पे भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे अगर एग्जाम में तो नॉर्थ अमेरिका वाली बतानी है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ना एनिमल्स पाए जाते हैं, जानवर। नेक्स्ट बार जब मैं आऊंगी ना तो आपको यहाँ के एनिमल्स की कुछ फोटोज बताऊंगी। इस बार मैं अरेंज नहीं कर पाई, उनको लगा नहीं पाई यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि नया बोर्ड, ये चेंज वाला बोर्ड है दूसरा, इसलिए। तो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं लामा और चिंचिला, ये पशुओं के नाम है वहाँ के, साउथ अमेरिका के। फिर यहाँ डेंस वेजिटेशन है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सही बात है। आपको पता है अमेजोन फॉरेस्ट ही ब्राजील में, मतलब ब्राजील में हाँ पाया जाता है और भी कंट्रीज में फैला हुआ है। तो अमेजोन फॉरेस्ट यार, उसको ना लंग्स कहा जाता है वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के फेफड़े बोला जाता है, क्योंकि वहाँ इतने सारे फॉरेस्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाएगी।
और यहाँ पे डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पति होता है। उसके बाद में अब ये जो एंडीज माउंटेन है ना, इसका जो पूर्वी ढाल है ना, ईस्टर्न स्लोप, वहां पे एक फॉरेस्ट पाया जाता है, उसको नाम दे रखा है मोंटाना फॉरेस्ट। क्या नाम है? मोंटाना फॉरेस्ट। अगर आपको याद हो तो अपन जब इंडस्ट्रियल रीजन कर रहे थे यूएसए के, अमेरिका के, तो वहां अपन एक देश पढ़ा था, उस यूएसए के एक स्टेट का नाम पढ़ा था, उसका नाम था मोंटाना। तो यहाँ पे भी मोंटाना फॉरेस्ट ऐसे रिलेट करा रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज में मोंटाना फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ मिनरल्स की बात करें तो एंडीज माउंटेन में मिनरल्स वही है जो रॉकी माउंटेन में मिनरल मेन था। बताओ रॉकी माउंटेन में कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता था? कॉपर का। तो एंडीज माउंटेन में भी कॉपर, जो कॉपर है वो ज्यादा पाया जाता है, उसके साथ में गोल्ड भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे। तो मेनली तो कॉपर है, याद रखना, एंडीज और रॉकी दोनों में कॉपर की प्रचुरता देखी जाती है। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन इतना ही था, आपको इतना ही पढ़ना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या क्या देखा आपने? एक तो अंत पर्वतीय पठार पाया जाता है इसमें बोलिविया, उससे पहले कैसे बना, फॉर्मेशन से, किसके कन्वर्जन से, तो अपने साउथ अमेरिका प्लेट नास्का प्लेट के टकराने से बना है, डेंस वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिवर्स ओरिजिनेट होती है अमेजोन और कोलोराडो नदी, और क्या है, पूर्वी ढाले, वहां मोंटाना फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एनिमल्स है लामा और चिंचिला, और मिनरल्स है कॉपर और ये सब गोल्ड। ठीक है, तो ये एंडीज माउंटेन के बारे में अच्छी जो भी बातें थी, 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा डिवीजन इसका, प्लेटोज वाला, कि 4 प्लेटोज बताए, 4 पठार बताए, कौन से? गुयाना और ब्राजील और अपने पैटागोनिया और बोलीविया का पठार। तो पहले अपन देखते हैं गुयाना का पठार, गुयाना प्लेटो। सबसे पहले तो गुयाना प्लेटो के बारे में खास बात क्या है, देखिए ये जो साउथ अमेरिका का अपन, मैं बताऊं आपको एक सेकेंड, हाँ ये जो साउथ अमेरिका का, देखिए ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत पुराना लैंडफॉर्म है, मतलब ये बहुत साल पहले बना हुआ है ना, बहुत पुराना लैंडफॉर्म है, बहुत साल पहले बना हुआ है, तो ये ना ओल्ड और स्टेबल लैंडफॉर्म है, मतलब यहाँ पे वो ज्वालामुखी वाली जो चीज है वो नहीं देखी जाती है यहाँ पे, इसीलिए इसको कैसा लैंडफॉर्म बोला है हमने, ओल्ड एंड स्टेबल लैंडफॉर्म। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, पठार में तो मिनरल्स का भंडार होता ही है, तो यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स, खनिज है तो बॉक्साइट है, आयरन है, गोल्ड है, ये सब डायमंड है, लेकिन खास जो इम्पोर्टेंट है वो है ये मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे, मैग्नीज। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट मिनरल, एक तो बॉक्साइट और मैग्नीज, बाकी तो आयरन, गोल्ड और डायमंड, ये दिमाग में रखना, बट मैग्नीज इंपॉर्टेंटली याद रखना कि मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे अपने गुयाना के पठार में। अच्छा, मैंने आपको बताया कि शील्ड क्या होता है, तो शील्ड होता है कि ऐसा ऐसा भूभाग जो बहुत पुराना हो, तो उसको बोलते हैं हम शील्ड का एग्जाम्पल है, तो ये जो गुयाना का पठार है ना, ये भी बहुत पुराना लैंडमार्क है, तो इसको भी हम शील्ड का एग्जाम्पल बोलते हैं। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है ओरिनाको, क्या नाम है इसका, ओरिनोको रिवर या ओरिनाको रिवर, ये ओरिजिनेट होते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिवर है ये रिवर, आगे चल के एक मैदान का निर्माण करेगी, जब अपन मैदान पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे, तो ओरिनाको रिवर वापस आगे आएगी। फिर यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट, देखिए कोई भी अगर कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है, तो उसका तो हाईएस्ट पॉइंट होगा ही, एक ऊंचा पॉइंट, लेकिन कोई पठार है तो उसका भी तो एक हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, मान लीजिए ऐसा कोई पठार है, तो ये मान लीजिए पठार है, इसका भी एक हाईएस्ट पॉइंट इस पठार का, उसका नाम क्या है, पीको डी नेबलिन, क्या नाम है, पीको डी नेबलिन इसके हाईएस्ट पॉइंट का नाम है। उसके बाद में आप देखिए ये जो गुयाना का पठार है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसको खनन करके अपन बहुत सारे यूज ले सकते हैं, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे पठार है, नदियाँ बहती है, जैसे खास नदी ओरिनोको, और भी नदियाँ है यहाँ पे, तो जब जब नदियाँ ऐसे पठार से गिरती है तो क्या निर्माण करती है, क्या कैपेसिटी उनके अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, तो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा ही पाई जाती है, तो ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या लिखा है मैंने कि ये जो गुयाना का पठार,
आर्थिक दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कुछ नहीं, चार पांच बातें गुयाना पठार के बारे में। ओल्ड और स्टेबल लैंडमार्क है, एग्जाम्पल है शील्ड का, बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, बॉक्साइट और मैग्नीज खास है, उसके अलावा गोल्ड सिल्वर डायमंड भी देखे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, ओरिनोको नाम है इसका, और यहाँ की हाइएस्ट पीक देखे तो एकोनकागुआ मानी जाती है। एकोनकागुआ के अलावा कोई पूछे तो ओजिस डेल सलादो, कोटोपैक्सी और चिम्ब्राजो। चिम्ब्राजो के बारे में खास बात कि अर्थ के सेंटर से सबसे फार्देस्ट पॉइंट, सबसे दूरतम अधिकतम दूरी पे जो बिंदु है वो चिम्ब्राजो का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। और उसके बाद ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए गुयाना को पैकअप करते हैं, दूसरा है अपने, ठीक है। अब हम गुयाना का पठार देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ब्राजील का पठार और उसके बाद में ये पैटागोनिया का पठार और बोलीविया का पठार। तो चलिए चलते हैं ब्राजील के पठार पे। ब्राजील के पठार पे इतना ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि ये भी कैसा लैंडफॉर्म है, ओल्ड एंड स्टेबल लैंडफॉर्म है। दूसरा, ये भी एग्जाम्पल है शील्ड का, मतलब बहुत पुराना लैंडमार्क है, ये भी भूभाग है। यहाँ पे एक मिनरल है जो प्रचुरता में पाया जाता है, उसका नाम है आयरन ओर, यहाँ पे लो अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब ये जो ब्राजील का पठार है ना, इसी के लेफ्ट साइड में आप एटलस पे मार्क कीजिए, एक माटो ग्रासो पठार दिख रहा होगा आपको, माटो ग्रासो प्लेटो, वो भी इसी ब्राजील के पठार का जो है पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो रिवर ओरिजिनेट होती है इस पे पठार पे, एक तो है साओ फ्रांसिस्को और एक है पराना रिवर। साओ फ्रांसिस्को और पराना, साओ फ्रांसिस्को ऊपर जाती, पराना नीचे आ जाती है, जब अपन रिवर्स पढ़ेंगे तो और देखेंगे। बाकी यहाँ से दो रिवर होती है। अच्छा, गुयाना से कौन सी नदी निकलती है, ओरिनोको, यहाँ से दो रिवर, एक तो साओ फ्रांसिस्को और एक अपने पराना नदी। और यहाँ पे दो चीज तो फिक्स है, क्योंकि पठार है, नदियाँ बहेगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो अच्छा होगा और बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ब्राजील के पठार की ये बात थी, ओल्ड स्टेबल लैंडफॉर्म है, एग्जाम्पल ऑफ शील्ड है, मिनरल आयरन और पाया जाता है, यहाँ पे दो नदी निकलती है साओ फ्रांसिस्को और पराना नदी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे और बायोडाइवर्सिटी अच्छी पाई जाती है। अब थर्ड नंबर अब पे है बोलीविया का पठार, बोलीविया प्लेटो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि ये जो एंडीज माउंटेन है उसके बीच में पाया जाता है, तो कैसा अंतः पर्वतीय पठार है, पहला तो इंटरमाउंटेन प्लेटो है, फिर यहाँ पे अब क्योंकि दो पर्वतों के बीच में है तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, रेन शैडो रीजन में, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन पाई जाती है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। फिर ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो बोलीविया का पठार नाम से पता चल रहा है बोलीविया में तो फैला हुआ है, थोड़ा बहुत चिली में भी फैला हुआ है, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका कहाँ पे, बोलीविया में। अच्छा, अब एक बार इधर आओ, यहाँ पे बोलीविया के पठार में एक लेक पाई जाती है, झील है, खारे पानी की झील, जिसको बोलते हैं लेक पोपो, हालांकि अब वो सूख चुकी है, अब उसमें पानी नहीं है, तो लेक पोपो है यहाँ पे जो है। अब ये जो खारे पानी की झील है, इसके आसपास का जो एरिया है ना, बहुत ज्यादा शुष्क है, तो उसको अपन नाम दे दिया अपने सॉल्ट पैन, सॉल्ट पेन, इसको ऐसे नाम दे रखा है सॉल्ट पेन, इसका मतलब है कि ऐसा एरिया जो बहुत ड्राई है, जो बहुत शुष्क है, तो सॉल्ट पेन जो लेक पोपो है, इसका सॉल्ट पेन का नाम क्या है, सलार डी यूनी, सलार डी यूनी, सलार डी यूनी क्या है, तो एक लेक पोपो पड़ती है बोलीविया प्लेटो पे, उस लेक पोपो के आसपास का एरिया ड्राई हो चुका है, उस ड्राई एरिया का नाम है सलार डी यूनी, और इस ड्राई एरिया को अपन टर्म क्या दे रखा है, सॉल्ट पेन, तो सलार डी यूनी क्या है, सॉल्ट पेन है, किसका, लेक पोपो का। फिर आ जाओ यहाँ पे ना, एक मीठे पानी की झील भी मिलती है बोलीविया प्लेटो पे, उसका नाम है लेक टिटिकाका, क्या नाम है, लेक टिटिकाका, ये देखिए लेक टिटिकाका इस झील का नाम है। अच्छा, जो बोलीविया जो देश है ना, उसकी दो कैपिटल्स मानी जाती है, जैसे कि एक तो मानी जाती है जुडिशियल कैपिटल, एक ओवरऑल कैपिटल मानी जाती है। तो ये जो लापेज है, लापाज या लापेज कह दो, ये ना सबसे ऊंचाई पे स्थित, अगर कोई विश्व की कोई राजधानी पूछे आपसे कि ऐसी कौन सी राजधानी जो सबसे ऊंचाई पे, हाइट पे लोकेट है, तो वो है लापेज, जो किसकी कैपिटल है, इसकी बोलीविया की। हालांकि इसकी एक और कैपिटल है, सुक्री बोलते हैं जिसको, सुक्री आपको एटलस में दिखेगी, वो इसको जुडिशियल कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी ही बात थी इसके बारे में, बोलीविया के पठार के बारे में, कि इंटरमाउंटेन प्लेटो है, ड्राई कंडीशंस पाई जाती है मेनली बोलीविया में, थोड़ा बहुत चिली में भी है, एक लेक पोपो है यहाँ पे, खारे पानी की झील सलाइन लेक, इसका एक सॉल्ट पैन है जिसका नाम है सलार डी यूनी,
ठीक है, ड्राई एरिया है वो। और उसके बाद यहाँ मीठे पानी की झील भी पाई जाती है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। और यहाँ की दो कैपिटल है, कहाँ की? बोलीविया की। एक का नाम है लापेज और एक का नाम है सुक्री। सुक्री जुडिशियल कैपिटल है, इंपॉर्टेंट लापेज है। लापेज के बारे में क्या बात कि ये हाईएस्ट ऊंचाई पे लोकेट अगर कोई कैपिटल पूछे तो ये लापेज है। ठीक है, लास्ट है अपना पैटागोनिया का प्लेटो, फिर अपने प्लेटो भी पूरे हो जाएंगे साउथ अमेरिका के। तो ये मेनली कहाँ फैला हुआ है? ये चिली में फैला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मेनली अर्जेंटीना में फैला हुआ है ये पैटागोनिया का पठार। अब आपको पता है ये जो, जैसे मान लीजिए ये आपके एक बार के लिए थोड़ा, मान लीजिए आपके एक बार के लिए साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एंडीज माउंटेन आता है पूरा लंबा लंबा, और एंडीज माउंटेन के राइट साइड में ये पैटागोनिया का पठार पड़ता है। मतलब इस पठार जो एंडीज माउंटेन उसके राइट साइड में पड़ रहा है, मतलब उसके रेन शेडो रीजन में पड़ रहा है, किसमें? वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप बताइए कि अगर कोई भी चीज किसी पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है तो वहां पे क्या होती है, कैसी स्थिति पाई जाती है? शुष्क परिस्थिति, ड्राई कंडीशन पाई जाती है। तो ये जो है रेन शेडो रीजन पर, रेन शेडो रीजन में लोकेटेड है ऑफ एंडीज माउंटेन, वृष्टि छाया क्षेत्र ऑफ एंडीज पर्वत में, इसलिए यहाँ शुष्क परिस्थिति एरिड कंडीशंस पाई जाती है। ये जो पैटागोनिया का पठार है ना, हम इसको ओल्ड और स्टेबल लैंडफॉर्म नहीं कहेंगे, ये वॉल्केनिक प्लेटो, ये ज्वालामुखी पठार है। यहाँ पे ये किससे निर्मित हुआ? ज्वालामुखी से निर्मित हुआ, इसलिए इससे वॉल्केनिक प्लेटो बोलता है। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि ड्राई कंडीशंस बहुत ज्यादा है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ रहा है, तो यहाँ पे ना पैटागोनिया के नाम से एक डेजर्ट भी है, एक मरुस्थल भी है। इस मरुस्थल के बारे में दो बात याद रखनी, एक तो ये कोल्ड मरुस्थल है, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये देखिए ये ना इधर पाया जा रहा है मरुस्थल, और यहाँ पे ना 23.5 डिग्री की लाइन यहाँ पे है अपने मकर रेखा, ये साउथ, तो इसके कितना नीचे पाया जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा ठंडा वातावरण होगा, तो ये कोल्ड मरुस्थल है ऐसे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे साउथ अमेरिका का। ठीक है, तो ये कुछ बातें पैटागोनिया के बारे में थी। चिली अर्जेंटीना में फैला, अर्जेंटीना में ज्यादा है, वॉल्केनिक का पठार है और वॉल्केनिक प्लेटो है, एंडीज माउंटेन के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पे क्या है, पैटागोनिया नाम का डेजर्ट पाया जाता है जो कोल्ड है और सबसे बड़ा है साउथ अमेरिका का। अब ना आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बता देती हूँ, ताकि आपके ना ये भी हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने आपको बताया, जैसे ये साउथ अमेरिका है, इसके इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पाया जाता है। अब आपको पता है ये कितना लंबा है, तो सबसे पहले तो अपन यही बोलेंगे कि ये ना विश्व का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन है। तो सबसे पहली बात, ये लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन है, सबसे लंबा तटीय मैदान है। उसके बारे में, ये ना बहुत सकरा मैदान है, बहुत छोटा है, बहुत नैरो है, तो इसको नैरो प्लेन्स भी बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे किसके भंडार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट पाए जाते हैं, कॉपर के भंडार देखने को मिलते हैं। फिर एक ना पक्षी होता है, एक पक्षी है जिसका नाम है गुयानो। क्या नाम है? गुयानो। उसकी जो बीट होती है ना, जो उसका अपशिष्ट होता है ना, उसमें नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा। तो अब उसकी जो गुयानो बहुत अधिकता में पाए जाते हैं यहाँ पे, और गुयानो जो बर्ड है उनकी जो बीट है उसमें जो नाइट्रेट फॉस्फेट है, जब वो मिट्टी में मिलता है तो उस मिट्टी की उर्वरता को बहुत बढ़ा देता है। नाइट्रोजन, आपको पता है जो सॉइल होती है उसमें एनपीके का रेशियो जो है वो एक होता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी आता है, और फॉस्फेट है तो फास्फोरस के लिए भी मतलब सही है। तो नाइट्रेट फॉस्फेट, देखिए गुयानो बर्ड है, उसकी बीट है उसमें नाइट्रेट फॉस्फेट के होता है, और जो सॉइल ऑफ प्लेन्स में मिल जाता है, जो मैदान है उनमें मिल जाता है उसकी मिट्टी में, जिससे क्या होता है, उर्वरता बढ़ती है, तो एक तरह से लाभदायक है ये, इसलिए गुयानो बर्ड को याद रखना। लास्ट चीज इसके बारे में, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, आपको ये वापस से बना के बताऊं, तो मान लीजिए ये ऐसे ऐसे है, तो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मध्य में, बीच में, एक लगभग बीच में एक डेजर्ट पाया जाएगा, उसको बोलते हैं अटाकामा का मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट। ये डेजर्ट क्या है? तो ये डेजर्ट जो है मेनली कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पेरू, पेरू और चिली में, ज्यादातर तो ये पेरू में ही फैला हुआ है, चिली में तो थोड़ा सा इसका पार्ट है। ये ना सूखा डेजर्ट है, मतलब ड्राई डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट तो हो गई, क्योंकि अपने मध्य में पाया जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास में है, इसीलिए ये ड्राई डेजर्ट है। यहाँ पे ना सबसे शुष्कतम जगह पाई गई है जिसका नाम है एरिका। यहाँ पे सबसे ड्राइस्ट प्लेस लोकेट की गई है उसका नाम क्या है? एरिका, एरिका।
ठीक है, वो साउथ अमेरिका में पड़ती है, एटाकामा डेजर्ट में पड़ती है, उसका पार्ट है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बस इतना ही था कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन है, सबसे क्या कहेंगे अपन, लंबे तटीय मैदान है, और ये जो है सकरे मैदान है, नैरो प्लेन्स है। दूसरा कि यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है, उससे पक्षी से पहले यहाँ डिपॉजिट होते हैं, कॉपर के डिपॉजिट है, फिर यहाँ एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गुयानो पक्षी। उसकी जो बीट होती है उसमें नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, जो अगर मिट्टी में मिलती है तो उसकी उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। फिर यहाँ एक एटाकामा डेजर्ट है। एटाकामा डेजर्ट की खास बात कि यहाँ पेरू और चिली में ड्राइस्ट प्लेस है पूरे साउथ अमेरिका का। यहाँ एक जगह पड़ती है, नाम है उसका एरिका। एरिका ड्राइस्ट प्लेस बोला गया है पूरे विश्व की, अगर कोई शुष्कतम जगह है तो वो अपने एरिका है। तो आज की क्लास में हमने ये एंडीज माउंटेन देख लिया, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देख लिया, और सारे प्लेटो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल प्लेन्स देख के रिवर्स और लेक्स जो है इसकी देख लेंगे, तो अपना ये लगभग प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्लास में साउथ अमेरिका को सम कर देंगे। थैंक यू सो मच।